वेलकम टू शमीस वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे चटनी पूड़ी। तो शुरू करें। सबसे पहले 2 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच तिल को 1 मिनट रोस्ट कीजिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। 1 कप मूंगफली को रोस्ट करके छिलका निकालिए। 1 कप ग्रेट किया सूखा नारियल को 2 मिनट रोस्ट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए। 1/2 कप कड़ी पत्ता और 1/2 कप लहसुन डालिए। 7 से 8 लाल मिर्च और 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च को 2 मिनट रोस्ट कीजिए और स्टोव ऑफ कीजिए। अब इसमें रोस्ट किया मूंगफली, रोस्ट किया सूखा नारियल, रोस्ट किया चना दाल, नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिलाने के बाद 1 चुटकी हल्दी डाल के अच्छे से मिलाइए और ड्रेन कीजिए। चटनी पूड़ी तैयार है। इस चटनी पूड़ी को 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आप इसे डोसे के साथ, चपाती के साथ, इडली के साथ या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शमीस वर्ल्ड। शुक्रिया।